जो शिक्षक कहलाने का हक ही खो गए हैं उनको सजा दिलवाने का काम होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि तमाम संगठनों के द्वारा इस निंदनीय कार्य की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, और ऐसी की नहीं गई है। अगर की जाती तो हमें खुशी होती, संगठन को खुशी होती कि तमाम संगठन शिक्षक के साथ हैं। लेकिन ये मारपीट प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह के साथ ही नहीं हुई, ये अपमान महेंद्र सिंह जी का ही नहीं है, ये सामाजिक अपमान है, और इसका जितना भी कठोर से कठोर सजा दिलवाई जा सकती है वो सजा दिलवाने के लिए संगठन प्रधानाचार्य जी के साथ है। मैं मनमोहन सिंह, अध्यक्ष बहुजन शिक्षक संघ, और जो प्रधानाचार्य जी के साथ ये मारपीट हुई है इसमें हम तब तक उनकी सेवा समाप्त नहीं होती है जिसने क्राइम किया है और जातीय विद्वेष से किया है, तब तक उसके लिए कठोर कार्रवाई नहीं होती है। संगठन पूरी तरीके से इनके साथ है, और प्रशासन पे भी अगर अपनी वो जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो उससे आगे की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। संगठन किसी भी कीमत पर जो है प्रधानाचार्य जी को न्याय दिला कर रहेगा, और इसमें जितना भी बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ेगा हम करेंगे जी। और इस और उम्मीद है कि अभी मतलब जो है मैनेजमेंट की तरफ से सस्पेंशन का लेटर संबंधित अधिकारी के पास आया है, भाई की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन भाई की गिरफ्तारी से काम चलने वाला नहीं है। जिसने क्राइम किया है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जो संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है वो उसी धाराओं में राज्यपाल तक उसकी हम आवाज़ उठाएंगे, अगर वो संबंधित धाराएं नहीं लगती हैं तो। और आगे अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री तक हमें बात पहुँचानी पड़ी तो हम बात पहुँचाएंगे। आज से स्टार्ट कर दिया हाँ, हम संगठन पूरा संगठन इनके साथ है। देख सकते हैं आप, इस संगठन के साथ ही है, जो संगठन है शिक्षक संगठन, शिक्षक संगठन के साथ ही हैं ये लोग, इनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद है, मेडिकल में है सब, और इंसाफ दिलाने के लिए संगठन साथ में है। और ये आप देख सकते हैं आज स्टार्ट क्या है इन्होंने, आज पहला दिन है तो अब देखना होगा कि कब तक इनको इंसाफ मिलेगा जी। जन कर्मचारी शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ, जो प्रिंसिपल साहब के साथ अमानवीय घटना घटित हुई और दर्दरता से बेदर्दी से पिटाई हुई, इसके लिए हम डीएम साहब से अनुरोध करते हैं कि ऐसे शिक्षक की सेवाएं समाप्त होनी चाहिए और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि डीएम साहब हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम राज्यपाल साहब के पास जाएंगे, और राज्यपाल साहब भी हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे। किंतु ऐसे व्यक्ति को शिक्षक बने रहने का अधिकार प्राप्त नहीं है, उसकी अविलंब सेवाएं समाप्त की जाए और उस पर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाए, यह हमारी मांग है। जो आगे चल के समाज और राष्ट्र के लिए एक उदाहरण बने, ऐसी हमारी मांगे हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो हम शांतिपूर्वक नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करते रहेंगे जब तक ऐसा उसकी सेवाएं समाप्त नहीं होती और उसको जेल नहीं भेजा जाता जी। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी, मैं राष्ट्रीय किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौराला मेरठ में प्रधानाचार्य हूँ जी। मेरे विद्यालय में अमित कुमार नाम का संबद्ध प्राइमरी में टीचर है जी, वो मुझसे पहले से ही जाति विद्वेष की भावना रखता है जी। कौन से जाति से आप? मैं जाट और समाज से हूँ जी, शेड्यूल कास्ट, और वो बंदा जो है जाट समाज से है जी, वो पहले से ही मुझसे जाति विद्वेष की भावना रखता है। पहले भी कई बार वो मेरे साथ बदतमीजी गाली गलौज कर चुका है। मैं बार बार, चूँकि मैं एक प्रधानाचार्य हूँ और प्रधानाचार्य की गरिमा रखते हुए मैं अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित करता हूँ जी। मैं ये सब उसकी बदतमीजी को विद्यालय प्रशासन के हित में, विद्यालय के हित में, छात्रों के हित में, वो सब अनदेखी और इग्नोर करता रहा जी। उसे समझाता भी रहा, प्रबंधक महोदय को भी अवगत कराता रहा। अब आकर के इन शनिवार के दिन इस बंदे ने एक सीनियरिटी के मामले में मुझ पर ज़बरदस्ती प्रेशर बनाने का प्रयास किया और कैंपस में गाली गलौच भी की। समस्त स्टाफ गवाह हैं। मंडे में यानी पहली तारीख को, फरवरी
पहली फरवरी को मैं 8:50 पर विद्यालय में पहुंचा जी, और 9:50 पर वो बंदा विद्यालय में आकर के उसने वही गाली गलौज करना, उनने मुझे दबाव बनाने का प्रयास किया। मैं उसके चूँकि उसने रजिस्टर छीना और अनेक प्रकरण अनेक कागज़ वगैरह वो छीना जब्ती कर रहा था, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया। मैं उस प्रकरण को मैनेजर साहब को फ़ोन द्वारा सूचित ही कर रहा था, तभी पीछे से अचानक आकर के गाली गलौज करते हुए उसने मुझ पर अचानक मेरे साथ जानलेवा हमला किया, और हमले में इतना ज़बरदस्त किया कि मैं केवल यदि स्टाफ के लोग मुझे बचाने नहीं आते तो मेरी हत्या कर देता जी। मेरी ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है शासन प्रशासन से कि उस बंदे को कानूनी रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाए उसके विरुद्ध, तथा विभागीय शासन प्रशासन से ये भी मांग है कि टर्मिनेट, चूँकि वे विद्यालय में एक टीचर का काम एक अच्छे आचरण, अच्छी शिक्षा, एक नैतिक शिक्षा और बच्चों को शिक्षा देने का काम होता है, वो बंदा शिक्षा देने के लायक ही नहीं है, योग्य नहीं है। इसलिए मेरी ये मांग है कि उस बंदे को शिक्षक पद से उसे टर्मिनेट किया जाए, बर्खास्त किया जाए जी। तो आप यहाँ मेडिकल में आए हो, आज अपना मेडिकल कराया आपने? मैंने मेडिकल कराने के लिए मुझे प्यारे लाल में भर्ती था, वहाँ चूँकि मेरे यहाँ काफ़ी चोट लगी ही है, मेरे सिर में भी, मेरी आँख पर भी चोट लगी है, मेरी आँख आप देख सकते हैं कितनी क्या हालत मेरी आँख की हुई पड़ी है, मुझे बहुत प्रॉब्लम बन रही है, बहुत गंभीर चोट है, बहुत गंभीर मामला हुआ है। तो मैं चूँकि रेफर किया था जी, तो मैं यहाँ पर चेकअप कराने आया हूँ। तो ये अकेला ही था जो अध्यापक, अकेले थे और भी साथ में थे? उस बंदे ने अकेले नहीं पीटा मुझे जी, अकेले नहीं पीटा उस बंदे ने, अकेले नहीं पीटा, और वो इतनी क्रूरता से मुझसे मतलब पेश आया कि अगर स्टाफ के लोग मुझे बचाने नहीं आते तो मेरी हत्या हो जाती। और जाति सूचक शब्दों को, जाति सूचक शब्दों से चमट्टा ढेड़ वगैरह कह करके उसने मुझे अपमानित करने का काम किया है जी। तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद देर रात रिपोर्ट दर्ज की है, ये मुझे संज्ञान में आया है, और ये भी जानकारी मिली है कि केवल एक उसके भाई को अरेस्ट किया गया है। कहाँ रहते हैं वो? वो दुराले कस्बे के ही हैं, खास रहने वाले दुराला से रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं ये प्रधानाचार्य है जिनको एक अध्यापक ने इस बेरहमी से पीटा कि इनका देखिए क्या हाल हो गया, इनकी आंखें भी बस ये समझ लीजिए आपकी, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, कम, बहुत कम दिखाई दे रहा है, एक आँख से कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब देखना होगा कि कब तक इंसाफ मिलेगा, जो आरोपी है उसको सजा मिलेगी या नहीं। मैं उमेश करुणा, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।